वो ब्रेजा ZDI 2019 का ये मॉडल है, और इसके अंदर आपको फीचर्स जैसे मिलेंगे प्रोजेक्टर, हेडलैम्प और LED आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और नई जैसी ये गाड़ी है RJ5 नंबर की, राजस्थान नंबर है ये, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर आपको लगे मिलेंगे, ये थोड़ा सा पंक्चर हो गया था तो चेंज किए हुए हैं, लेकिन टायर की कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम नया जैसा ही है फ्रंट टायर। फिर ले चलता हूँ रियर के अंदर, तो रियर टायर कुछ इस तरीके का है, रियर थोड़ा सा वीक है। फिर रियर साइड के अंदर चलते हैं, तो रियर के अंदर आपको इस तरीके की कंडीशन है। पीछे पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, और ये इस साइड की प्रोफाइल है। डीजल के अंदर ये गाड़ी है, अलॉय व्हील्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको इंटीरियर। फिर ये गाड़ी का इंटीरियर है कुछ इस तरीके का, लेदर के सीट कवर इसके अंदर लगे हुए हैं। साथ में आपको दो एयरबैग मिल जाएंगे आपको, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों। और ये म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। अभी बात करते हैं गाड़ी की आस्किंग प्राइस और की, और ये गाड़ी ज़्यादा नहीं और मात्र 31,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की बात करें तो आस्किंग प्राइस इस गाड़ी की 9.5 लाख रुपए। तो फिर जो नेक्स्ट अपनी जो कार है वो i20 की स्पोर्ट्स मॉडल है ये, आप देख सकते हैं नई जैसी गाड़ी है, और i20 की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा है डीजल के अंदर, तो इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स मॉडल है। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो टॉप मॉडल के अंदर जो अलॉय व्हील्स आते हैं अराउंड 60 से 70 हज़ार रुपये के बैठते हैं, तो वो इसके अंदर लगाए हुए हैं कस्टमर्स के, ये आप देख सकते हैं। और टायर की कंडीशन कुछ इस तरीके की है। उसके अलावा ये थोड़े से ग्लास के ऊपर थोड़ी सी लाइट वगैरह डैमेज है। उसके अलावा फिर मैं आपको ले चलता हूँ साइड में, कुछ इस तरीके के मामूली से स्क्रेचेस है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रियर के टायर की कंडीशन है, ठीक ठाक है। उसके अलावा फिर रियर के अंदर अब हम अंदर आपको ये स्पोर्ट्स को लोगो मिल जाएगा, साथ में इसके अंदर पार्किंग सेंसर है। उसके अलावा रियर कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, और जो सबसे ज़्यादा डिमांड है इसी i20 की है, और जो सबसे स्टार्टिंग इधर 2014 के अंदर ही आई थी इलीट i20 है। ये साइड की प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है आपको। बोलता हूँ आपको इंटीरियर के अंदर सेंटर लॉक वाली आपको की मिलेगी इसके अंदर। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, मिरर, इलेक्ट्रिक एडजस्ट है, साथ में फोल्डेबल भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा ये सीट कवर इसके अंदर लगे हुए लेदर के। उसके अलावा फिर स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और ये म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा साथ में, और ये ऑटोमेटिक AC भी मिल जाएगी। कैमरा बाहर से इंस्टॉल्ड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है। साथ में सेफ्टी के लिए आपको इस गाड़ी के अंदर दो एयरबैग भी मिल जाएंगे। 2016 का ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की बात करें तो गाड़ी की आस्किंग प्राइस रखी गई है 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये के अंदर आप ये परचेज कर सकते हैं। तो ये ग्रैंड i10 मैग्ना है, पेट्रोल के अंदर है, और 2017 का ये मॉडल है। सबसे पहले तो आप गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए किस तरीके की है चारों तरफ से। फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई स्क्रैचेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और जो मेन बात ये है कि जिस जगह पर मैं आया हूँ फ्रेंड्स कार वर्ल्ड झुंझुनू के अंदर मौजूद हूँ मैं, और इनकी गाड़ियों की खास बात यह है कि इनकी कोई भी कार एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी। ये वही कार खरीदते हैं जो एक्सीडेंटल नहीं हो। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो टायर की कंडीशन देख लीजिए, फ्रंट का जो ये टायर एकदम नया ही है। फिर ये साइड में कोई स्क्रेचेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके की बॉडी लाइन है गाड़ी की। रियर का जो टायर है ये तो ख़त्म है, इसको आपको चेंज करवाना पड़ेगा। फिर पीछे आपको फीचर्स के अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा कुरियर कैमरा भी मिल जाएगा इसके अंदर लगा हुआ है ये। अभी मैं आपको ले चलता हूँ इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इंटीरियर के अंदर आपको सबसे पहले तो चारों पावर विंडो देखने के लिए मिलेंगे, और जो मिरर है वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्ट है इसके अंदर। फिर इसमें सीट कवर वगैरह तो ये कंपनी फिटेड ही है। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर एयरबैग भी मिल जाएगा, एक एयरबैग इस गाड़ी के अंदर आपको मैग्ना के अंदर मिलेगा।
और म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर सोनी का लगा हुआ है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। सोनी का 10 से 12 हज़ार का आता है, तो ये इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एसी है, ये मैनुअल है। अभी गाड़ी की किलोमीटर की बात करें तो ये गाड़ी जो किलोमीटर चली हुई है 87,000 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी ग्रैंड आई 10 वेगनर। अभी इसकी आस्किंग प्राइस की बात करें तो गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो 3,95,000 के अंदर आप ये गाड़ी अपना बना सकते हो। उसके साथ में खास चीज़ ये भी है कि अगर आपको लोन भी करवाना हो तो लोन भी सुविधा उपलब्ध है। एक चीज़ मैं इस साइड की आपको टायर और दिखा देता हूँ, वो रह गए थे। आगे वाला जो टायर है ये भी नया है। फिर इस साइड का जो टायर है ये इसके अंदर पुराना ही है, तो ये आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा। और ये इस साइड की आप देख सकते हैं, इस साइड ये है, ऐसी स्क्रैचेज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी के ऊपर, एकदम नई जैसी ही ये गाड़ी है। अभी आपको नेक्स्ट कार के ऊपर ले चलता हूँ। नेक्स्ट कार है अपनी टाटा की, और ये टियागो है, 2018 का ये मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, आगे से थोड़ा सा बम्पर तो ये डिमेज है, बाकी ये साइड ग्लास है ये भी टूटा हुआ है, जुगाड़ करके लगाया हुआ है। और ये प्रोफाइल इस साइड की इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी आपको, कोई माइनर से स्क्रैचेज है बाकी और कुछ नहीं है। XZ ये वेरिएंट है, ये रियर के अंदर आपको, इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको वाइपर और रियर डिफोगर मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। पीछे पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाएंगे। वहीं टायर्स की बात करें तो ये रियर टायर है, और इसके अंदर भी अलॉय व्हील्स से लगे हुए हैं, ठीक ठाक कंडीशन है टायर की। ये तो आपको मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है टायर। फिर मैं ले चलता हूँ उस साइड, ये साइड भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की है। ये टायर की कंडीशन कुछ इस तरीके की अलॉय व्हील्स है लगे हुए हैं, और ये ग्लास है ये भी टूटा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा डिमेज ही है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, अंदर क्या क्या मिलेगा आपको अंदर। इसके अंदर आपको लेदर के ब्लैक कलर के सीट कवर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ये। उसके अलावा ये म्यूजिक सिस्टम है, आपको बटन वाला ही है इसके अंदर। उसके अलावा एयरबैग आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, एक और दो एयरबैग इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का इंटीरियर है, और ये रियर सीट कुछ इस तरीके की है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए के अंदर आप ले जा सकते हो। 2018 का ये मॉडल है, और RJ5 राजस्थान नंबर्स की कार देख रहे हो आप। फिर मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट कार की तरफ। नेक्स्ट कार रहेगी अपनी क्रेटा। फिर ये जो नेक्स्ट कार है वो है RJ40 नंबर की क्रेटा SX+, और सबसे ज़्यादा डिमांड वाली ये कार है। इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तभी मैं बात करता हूँ, ये डीजल के अंदर है और 16 CC के अंदर है। किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर गाड़ी चली हुई है 1,02,000। टायर की कंडीशन कुछ इस तरीके की आगे वाले की, साथ में आपको ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL भी मिल जाएंगे। फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है, गाड़ी की कंडीशन इस तरीके की है, नई जैसी ही लग रही है, कोई स्क्रैचेज वगैरह नहीं है। और ये टायर की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, अलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये रियर के अंदर कुछ आपको इस तरीके की डिजाइन मिल जाएगी। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। अभी मैं ले चलता हूँ दूसरी साइड में आपको। फिर ये साइड कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिलेगी, एकदम नई जैसी ही है, और अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। ये टायर की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, ये इस तरीके की है। इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का है। इंटीरियर के अंदर आपको दो एयरबैग मिल जाएंगे, ये एक पैसेंजर और एक ड्राइवर साइड का। लेदर के सीट कवर लगे हुए हैं एकदम अच्छी क्वालिटी के, एकदम ऐसे लग रहा है कि आज ही लगवा कर लेकर आए हैं। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसके अंदर आपको नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी साथ में। और ये ऑटोमेटिक एसी है, पुश बटन स्टार्ट भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चारों पावर विंडो, मिरर, इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डेबल आपको मिल जाएंगे। ये रियर सीट्स कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिलेगी। ये इंटीरियर हो गया, तो ये गाड़ी की कंडीशन एकदम नई जैसी ही है। और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी आप 9,50,000 रुपये के अंदर परचेज कर सकते हो। आस्किंग प्राइस 9,50,000 रुपये इस गाड़ी की रखी है।
तो हम मौजूद है फ्रेंड्स कार वर्ल्ड झुंझुनू के अंदर, जहाँ पर आपको सारी कार्स मिलेगी। और सबसे जो मेन खास बात यह है कि गाड़ी कोई एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी,